उधर जगह है क्या? तो ये राकेश इस हिलोले डुलोले में ऊपर चढ़ के पंखा लगा रहा है। ये राकेश ने तो एसी तक लगाया है बैंगलोर में। एक्चुअली बैंगलोर का हम लोग जब रहते थे तो हम लोग को ज्यादा ये टेक्नीशियंस ये वो सब मिलते नहीं थे, शायद लैंग्वेज का हर्डल हो गया जो भी, तो हम लोग को नहीं मिलता था ज्यादा। ये देखो मैं पंखा दूंगी राकेश को। क्या पंखा नहीं रे, क्या हुआ? तो कनेक्शन करते हुए तुमको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, मजा आ रहा है। अभी तो बोल रहे थे फटोफाइड। हाँ, ये मेरा सबसे फटोफाइड डिपार्टमेंट है गाइस, इसमें मेरी काफी हालत खराब होती है। दो मुझे बहुत टाइम हो गया इलेक्ट्रिक का वो काम करते हुए। ये भाई अगर आप लोग सोच रहे हैं कि राकेश वहाँ काम कर रहा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ कैमरा लेके, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ देखे मैं यहाँ, अब मेरा उधर कुछ काम नहीं है। अब मैं उस तरफ से मतलब इस तरफ से चढ़ के बाजू में खड़ी हो जाऊं बस वही है, जबकि उधर सीढ़ियां भी नहीं है। वो गाना याद आ रहा है, मैं नीचे आऊंगा। वो गाना मुझे है, घर का बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना ये आसान काम नहीं, फिर भी घर बनाऊंगा ला 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 तेरे। अरे मगर उसका घर है ना, उसी में रह ले। तेरे मेरा घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। अच्छा उसके माँ बाप का घर होगा शायद, फिर घर जमाई क्यों बने ना वो। ये वो प्रॉब्लम है, बाकी का ही नहीं। अब नीचे ओ ये तो वो जो आपने देखा होगा, वो लड़कियां ऐसे ऐसे करती हैं, सीढ़ी है खतरे से खाली नहीं है। ये पेंटर लगला जानबूझ के ऐसे ऐसे वाला रखते ताकि ब्रश चलाने में आराम हो। अभी तो पंखा भी ऐसे ऐसे हो रहा है देखो। चलो चलाओ पेपर तो मोड़ लो। चलो पेपर मोड़ो, मैं स्विच मोड़ती हूँ। बाबा गाइज मैं चालू कर रही हूँ स्विच। पंखा लगे जैसा भाग अरे तो चलाएगा कौन तू? उधर चल, मेरे को भी भागने को जगह दे। अरे ऊपर ऊपर हिल रहा है खाली। हाँ चला। अरे चला तो अरे मैं कैसे चला, ऊपर चढ़ जाऊं? रिमोट वा रिमोट कहाँ है? तुम उतना नजदीक क्यों जा रही हो? कुछ नहीं होएगा, ठीक है ठीक है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। चलो अच्छा हो गया एक काम, रतन नूरा काम करता है खत्म पूरा। ये हो गया पूरा काम। क्या बनता है मत पूछना, मैं होती तो कैमरा पे बोल देती। जब करने में डर नहीं तो बोलने में क्या डर, करो और बोलो। और ऐसा बहुत सारे लोग को मैं जानती हूँ जो तरह तरह का क्या 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 करते रहते हैं, और ये दे आर ओपन अबाउट इट एंड आई थिंक वी शुड ऑल बी ओपन अबाउट इट। अरे आया 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 गोरिया। तो गाइस पंखा लग चुका है गाइस, अब मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगा। हाँ भाई ये बहुत बड़ा काम है, ऊपर देख ऊपर देख, बहुत बड़ा ये काम है। अरे 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 रुको एक मिनट रुको 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 रुको, चेयर में हाँ वो जो मोटा वाला मैं भी कुछ बनाऊंगा। पहले उस गाने में देवानंद ने बहुत जोर जोर से बोला तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, लास्ट में गाना खत्म होते होते बोलते मैं भी कुछ बनाऊंगा। तेरे घर के सामने ला 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 दुनिया बसाऊंगा ला 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 तेरे घर के सामने ला ला ला।
अब राकेश दूसरी बार इस घोड़े पे चढ़ते हुए, क्योंकि अब इसको उधर लगाना है, ये झूमर, इसको हम लोग बोलते हैं रहमत का झूमर। तो ये झूमर है जो हम लोग ने बैंगलोर से लिया था, वो भी रस्ते से, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये है ना कुछ 18 साल हो गए होंगे इस झूमर को। हम लोग ले लेके इसको घूमते, जहाँ मौका, जहाँ कोई घर में मौका होता है, दिख जाता है तो लगा देते हैं, नहीं तो निकाल के सहेज के रखते हैं इसको। और ये हम लोग ने लिया था कुछ 1000 रुपए में या उससे भी कम शायद, मुझे याद नहीं। रस्ते पर बहुत मिलता है ये इस तरह का, और इसके लाइटिंग का इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी ये सोच रही थी कि मैंने राकेश को बोला कि चलो ये इतने साल हो गए, चलो इसको फेंक देते हैं, तो राकेश बोला नहीं, इतना अच्छा है तो इसको लगा ही लेते हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा घोड़ा ये थोड़ा ढीला है ना, ऐसे ऐसे हिलता है, ये पकड़ी हुई हूँ मैं रस्सी वाले की डांस की तरह। हाँ, बल्ब का आइडिया नहीं है, वो ऑन करके स्विच तो ऑन दोनों नहीं करती है, मैं जा रहा हूँ दूर। देखो कहाँ जाएगा देखना, अभी सब कुछ लगा लिया, सब कर लिया, जल गया। एक बल्ब खराब है, एक बल्ब अच्छा है। अब इसकी असली तो रात में ही दिखाई देगी। अच्छा वो भी एक है, तो इसको मैं शाम को भी दिखाऊंगी आपको कैसे दिखता है। ये लाइट भी जलाऊं ना तो ये दिखाई देगा इसकी। इसकी लाइट देखो ऐसी है, इसकी लाइट ऐसे होती है। सब मैं आपको शाम को भी दिखाऊंगी। अभी एक और लाइट है हमारे पास, हम लोग थोड़ा कंटेम्प्रेरी से हटके, इधर झूमर लगाया है ना, उधर एक दूसरी लाइट लगाएंगे। यहाँ पर एक और लाइट रखी हुई है, थ्री हैंगिंग लाइट है, वो हम लोग ने बैल्कनी जैसे में लगाई थी, तो यहाँ तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ से ऐसा दिख रहा है, इस तरह की वार्म लाइट और ये लाइट अच्छी लगती है। तो गुड जॉब, थैंक यू। तो अभी लंच तो हम लोग का हो गया है, और अभी हम लोग तो अभी अपडेट ये है कि वॉशिंग मशीन लगाया मगर उसमें फिर से कोई प्रॉब्लम था, और मेरे ख्याल से पिछले 2 घंटे से राकेश ट्राई कर रहा है कि वो वॉशिंग मशीन लगे, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो लोगों को लगे कि बहुत अच्छी बात है मगर अच्छी बात नहीं है, यहाँ पानी का प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा है। तो आप नल खोलेंगे ना तो इट इज़ मैसिव, और फ्लश करने जाएंगे तो मैसिव। तो इधर पे बाहर उन लोगों ने एक नॉब दिया हुआ है जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी वो जो वॉशिंग मशीन में जो नल होता है लगाने वाला, जो नल, वो हम लोग लेने जा रहे हैं पुराने घर से, क्योंकि नया नल में तो लगा नहीं। और अभी राकेश तो बहुत ज़्यादा थक गया, इरिटेट हो गया है बहुत, एकदम उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है एकदम ऐसा करने में ये सब करने में। तो अभी मैं जा रही हूँ मेड प्लस इंसुलिन लेने, बोला उसने इंसुलिन आ गया है, तो चलो चलते हैं। इंसुलिन आ गया, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं शाम को दिखाती हूँ कि ये झूमर की लाइट कैसी है, तो ये रही लाइट ऐसे जाती है, इसके रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसा आता है। तो वहाँ पर एक लगाना बाकी है। अभी हम लोग आए हैं वो चैलेंज जो था हमारा अबाउट द वॉशिंग मशीन, अभी हम लोग घर लौटे हैं, तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग, मेरे को सब्जी बनानी है और दाल भी बनानी है। अभी मैं कर रही थी एडिटिंग, और राकेश ने शुरू किया था मेरे ख्याल से 3 बजे से कुछ, और ये अभी वो मशीन लगी है, रात के बज रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, रात के बज रहे हैं 9:07, सो फ्रॉम 3:00 और 3:30 ही इज क्या बोलेंगे, अनस्टॉपेबल, मतलब एक नहीं दो नहीं कितने चैलेंजेस। मतलब पहले तो जो पानी का फोर्स था वो मैंने बताया, पानी के फोर्स के बाद में वो नल लग नहीं रहा था ठीक से,
वो लगा तो उसमें लीकेज हो रहा था, फिर वॉशर खराब, मतलब फॉर एवरीथिंग, बाहर जाना कुछ करना, ये समथिंग और द अदर वॉज कमिंग अप। फाइनली वो सब सेटअप किया तो बीच में है ना, क्योंकि बाथरूम के पीछे है तो ही हैड टू लिफ्ट इट, तो उसने एक आदमी को बुलाया, वो उसके साथ लिफ्ट करके वहां रखा। वहां रखने के बाद सो समझ लीजिए कि बीच में मशीन है, तो यहाँ नल लगा है ना, तो बहुत दूर लगा था प्लग, तो वो प्लग बाद में उसने 16 एम्प का एक्सटेंशन बनाया, 16 एम्प का एक्सटेंशन बनाया और उसने वो लगाया। और यही है राकेश, फॉर अस, फॉर मी एंड यू, ही नेवर गिव्स अप। ये उसका इतना अच्छा क्वालिटी है, ही नेवर गिव्स अप एंड ही ऑलवेज ट्राइज टिल ही गेट सक्सेस। ये उसका है, इंक्लूडिंग उसने उन पुराने घर जाके उसने कुछ फिटिंग्स थी उधर की निकाल के लाया वो, और वो सब किया। सो ये तो मैं 18 साल से देख रही हूँ, बट आज क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अनटाइमली, अन व्हाट डू यू कॉल इट, ही डजंट स्टॉप। उसको कभी थकान थकान होती है, बट ही नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ ट्राइंग, दैट इज आई अप्रिशिएट दैट। और ये देखिए मेरा ये मेरा एडिटिंग चालू है, यहाँ पे देखो, ये देखो इसने। बस बस मैं नहा के तैयार हो गया हूँ, वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो गया है और मैंने कपाड़देव को भी लाइट लगा दी है। कपाड़देव की भी लाइट लगा दी ट्यूबलाइट है, देखो और उनकी लाइट एक साथ जलती है, यार वो एक साथ जलेगी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक उपाय है, रुकिए अभी फिलहाल के लिए हमको दो ट्यूबलाइट नहीं चाहिए, कपाड़देव का लाइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लो फिर चढ़ रहा है टरिया पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चुपके से धीरे से निकाल देख लो, देखना, देखो सब लोग। यहाँ रख दूंगा और इसके अलग तरह से कोई कनेक्शन होएंगे तो होएंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये निकल गया था, अब ये लग गया है। तो फिर से मैं नीचे उतरूंगा और मैं बैलेंस बढ़ाए हैं, आप देखिएगा कि सिर्फ कपाट के बारे में है। कुछ आवाज आई ना? अरे और लाइट उड़ चुकी है क्योंकि इनका बहुत ही झोल झपाटा है भैया। लाइट उड़ गई? इनका ये मेरा मतलब था, देखा, इतने घंटे वो करने के बाद अब उसको लग रहा है कृपाणुदेव की लाइट तो जलती नहीं है, वो तो मैं पहले लगा दूं।